हे डियर क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टाइम। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, और इसमें अगर मुझे कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। और इसके अलावा ये एक जनरल मैसेज है, अगर आपको लगता है जो आपसे रेजोनेट करते हैं आप उसको कंसिडर करें, और जो नहीं करते उनको आप छोड़ दें। लेट्स सी के आपके लिए क्या आता है। एक्वेरियस, टू कार्ड्स आर हियर, देखते हैं कि क्या है। ओ इज वन द वर्ल्ड, ओके। इज वन द वर्ल्ड अबाउट, ओके। और क्या मैसेजेस हैं क्वेस के लिए। रेस्ट ऑफ द जर्नी, ओके। टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। आई थिंक I need to take this. Okay, Aquarius, आप जो है किसी person के साथ हो सकता है आपका कोई नया passion, कोई नई love offer आपके पास हो, कोई नई passionate offer आपके पास हो। और आप उसको consider कर रहे हो फॉर यू। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। समथिंग इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, कोई ऐसा पैशन दोबारा से इग्नाइट हो रहा है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है वो पास्ट पर्सन हो, जिस वजह से आप पास्ट पर्सन की मेमोरीज आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और हो सकता है आप पैशनेटली ड्रॉन हो रहे हो उस पर्सन की तरफ जो कि आपका पास पर्सन है। और आप जो हैं अपने ही तरफ से बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, आपने अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें सोची हुई हैं। हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो वो थॉट्स, और वो जो भी आपने सोचा है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हो आपके माइंड में, लेकिन वो जो भी थॉट्स हैं वो स्ट्रांगली जो है वो अटैच्ड हुई हुई हैं आपकी आपकी सोचों से, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो कि पास्ट पर्सन है, पास्ट से कोई वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। या तो अगर हम ये कहते हैं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है और पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली ही आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपकी थॉट्स में भी वो पर्सन जो पास्ट पर्सन होता है, जो पास्ट सिचुएशन होती हैं, वो आपकी थॉट्स में भी आती हैं। तो आप मेमोराइज कर रहे होते हैं पिछली चीज़ों को, तो कोई पास्ट पर्सन जो वापस आपके पास आ जाए, हो सकता है वो फिज़िकली भी आपकी लाइफ में आ जाए, बट कुछ जो फिज़िकली नहीं आ पाते, जिनके लिए ये रेट्रोग्रेड पास की चीज़ों का जो एक फेस चलता है, मर्करी रेट्रोग्रेड टाइप चीज़ें जो होती हैं उसमें, सॉरी मर्करी रेट्रोग्रेड टाइप चीज़, मतलब अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है तो हमें पिछली चीज़ों को दोबारा से कंसिडर करना होता है, उनको रीथिंक करना होता है। तो कहीं आपने, हो सकता है जो अनफिनिश बिजनेस होते हैं हमको, हम उनको जो है फिनिश करने के लिए दोबारा से पास में जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो प्लैनेटरी ट्रांजिट जो होते हैं वो स्ट्रांगली उनके उन पे इम्पैक्ट करते हैं, तो वो पास सिचुएशन और पास पर्सन जो है वो फिज़िकली भी उनकी लाइफ में आ जाते हैं। अगर आपके ऊपर स्ट्रांगली इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो आपके थॉट्स में आएगा, तो लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत स्ट्रांगली आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, आपके थॉट्स में वो पर्सन बिल्कुल चिपक गया है और आप उसकी थॉट्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या फिर आपने अब सोच लिया है कि मुझे अब इस पर्सन के पास वापस जाना है, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में आ रही है। तो हो सकता है वो कोई आप मैरिज, हो सकता है वो पर्सन
जो भी हो, कोई अर्थ साइन हो सकता है, कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर कोई टॉरस वीरगो कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस मुझे यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी से, मैरिज सिचुएशन में हो वो पर्सन, और आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बट आपके आपके अंदर एक नया पैशन उस पर्सन के लिए दोबारा इग्नाइट हो रहा है। आप इनडिसाइसिव हैं कि आप उसके पास जाएं या ना जाएं, इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है। हो सकता है कि वो पर्सन किसी और से कमिटमेंट कर चुका हो, और पहले अवेलेबल था बट अब वो पर्सन आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है। आप इनडिसीजन में हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इस सिचुएशन में, या तो आप इस पैशनेट बिगनिंग को जो भी हो रही है उसको फ़ौरन ही एंड कर दें, बिकॉज वो पर्सन जो है वो अब आपकी लाइफ में नहीं आ सकता वापस, और अब अपनी आप इनडिसाइसिव ही रहें, सारा वक्त उस पर्सन के बारे में सोचते रहें और इनडिसाइसिव होंगे, और क्योंकि वो पर्सन किसी और से इन्वॉल्व हो चुका है। अब आप जो हैं आप भी जगल कर रहे हैं, आप हो सकता है आप टू कमिटमेंट में जगलिंग कर रहे हैं, आप भी ऑलरेडी मैरिड हैं और वो पर्सन भी मैरिड है, तो आपको आपको समझ नहीं आ रही कि वो आप किस तरीके से उस पर्सन के साथ इस जगलिंग पोजीशन से निकलें, क्योंकि अब आप जो हैं बिल्कुल ही सैड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सैड इस सिचुएशन से। लेट्स सी कि क्या आउटकम निकलता है फॉर सिक्स ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। सो आप जो हैं दो लोगों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा और इस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, तो डेफिनेटली आप जो हैं अपने आप माइंड को क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके लिए, आपको जो पर्सन अपने लिए सूट करता है, वो पर्सन अब किसी और के साथ कमिटेड है। सो दैट्स वाई आप जगल करें, या फिर आपके लाइफ में दो लोग हो सकते हैं। जो पर्सन आज इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, और वो इसलिए आपके ऑफर को एक्सेप्ट अब नहीं कर रहा, और आप पास्ट पर्सन के हवाले से सोच रहे हैं। सो इस टाइम फ्रेम में तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नज़र आ रही है। ओके एक्वेरियस, इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।